सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआईआर करने से लेकर सजा होने तक के प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस के बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम एफआईआर दर्ज करने से लेकर सजा होने तक डिटेल्स में बात करें तो उसके लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए और उसके लिए काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी, तो इसलिए हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई क्राइम होता है तो एफआईआर दर्ज की जाती है, इसलिए सबसे पहले हम एफआईआर के बारे में ही बात करेंगे। जब भी कोई कॉग्निजेबल क्राइम यानी कोई गंभीर अपराध होता है, जैसे हत्या, बलात्कार, लूट वगैरह, तो सबसे पहले पुलिस सीआरपीसी सेक्शन 154 के तहत केस दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद मुजरिम की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी से 60 या 90 दिनों के अंदर अंदर जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है। अगर किसी मामले में 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रोविज़न है तो पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता है, जबकि अगर कोई ऐसा क्राइम किया गया है जिसकी सज़ा 10 साल से कम है तो पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाता है। इस दौरान पुलिस छानबीन करती है। पुलिस छानबीन करने के बाद चार्जशीट फाइल करती है। इसलिए चलिए अब हम बात करते हैं चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत दाखिल की जाती है। गैंग रेप और हत्या जैसे मामलों में 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल की जाती है, और जो छोटे क्राइम हैं जिनकी सज़ा 10 साल से कम है उनमें चार्जशीट दाखिल करने का समय 60 दिन मिलता है। इस दौरान चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर आरोपी को जमानत मिल सकती है। चार्जशीट में कुछ कॉमन चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि दोनों पार्टियों का नाम, सूचना की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, उन लोगों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित हैं, क्या किसी अपराध का होना प्रतीत होता है, अगर ऐसा है तो किसके द्वारा वो अपराध किया गया है, क्या एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो अपने बंधन पर रिहा हुआ है, अगर हाँ तो जिम्मेदारी पर रिहा हुआ है या फिर बिना किसी जिम्मेदारी के रिहा हुआ है, क्या उन्हें धारा 170 के तहत हिरासत में भेज दिया गया है, क्या महिला की मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट अटैच की हुई है, जहां जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 सी या फिर धारा 376 डी के तहत किसी अपराध से जुड़ी हुई है। चार्जशीट के बाद आरोपियों यानी एक्यूज्ड को चार्जशीट की कॉपी दे दी जाती है और फिर चार्ज पर बहस की जाती है। चार्ज पर बहस होने के बाद आरोपियों को या तो आरोप से मुक्त कर दिया जाता है या फिर चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद अदालत आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है। अगर वो गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे उसी वक्त सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, गुनाह कबूल नहीं किया जाता और अदालत में आरोपी कहता है कि वो ट्रायल फेस करेगा और फिर केस में ट्रायल शुरू हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रायल, चार्ज और डिफेंस के बारे में। ट्रायल के दौरान सबसे पहले सरकारी गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूटर ने जिन गवाहों की लिस्ट अदालत में सौंपी होती है उनके बयान होते हैं। उनके मैन स्टेटमेंट के बाद आरोपी एक एक करके उनसे जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। अगर सरकारी गवाह मुकर जाए तो फिर सरकारी वकील खुद उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूटर की गवाही के बाद आरोपी को अपने बचाव का मौका दिया जाता है और तब हर एक आरोपी अपने बचाव में बयान दर्ज कराता है। इस बयान के दौरान उस पर लगाए गए आरोपों के बारे में उससे सफाई मांगी जाती है और आरोपी अपनी सफाई पेश करता है। आरोपियों के बयान के बाद उनके द्वारा गवाह पेश किए जाते हैं और बचाव पक्ष यानी डिफेंस के गवाहों के बयान के बाद मामले में दोनों पक्षों की ओर से आखिरी दलीलें पेश की जाती है। दोनों पक्षों के स्टेटमेंट के बाद फैसला दिया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फैसला यानी डिसीजन के बारे में। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलील के बाद अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखती है और फिर जजमेंट की तारीख पर अदालत अपना फैसला सुनाती है। अदालत के फैसले में अगर किसी आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसके कन्फर्मेशन के लिए फैसले की कॉपी हाई कोर्ट भेजी जाती है। अगर उम्र कैद की सजा होती है या उम्र कैद से कम की सजा होती है तो फिर उसको कन्फर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर फांसी की सजा सुनाई जाती है तो कन्फर्मेशन के लिए उसको हाई कोर्ट भेजा जाता है। हाई कोर्ट से फांसी की सजा कन्फर्म भी की जाती है और साथ साथ ही अपील भी की जा सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपील के बारे में। हाई कोर्ट में फांसी के मामले में कन्फर्मेशन के लिए जो रिफरेंस आता है उसी के दौरान अपील दाखिल की जाती है और अपील पर भी साथ ही सुनवाई होती है। हाई कोर्ट से अगर फांसी की सजा कन्फर्म हो जाए
और अपील खारिज हो जाए तो फिर मामले में मुजरिम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अर्जी खारिज हो जाती है तो वहाँ रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन के खारिज होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दाखिल की जाती है, यानी दया याचिका भेजी जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन के बारे में। रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद मुजरिम राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल कर सकता है। राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के तहत दया याचिका पर विचार करने के बाद फैसला दे देते हैं। दया याचिका के बाद या तो मुजरिम को रिहा कर दिया जाता है या फिर दया याचिका को खारिज कर दिया जाता है। दया याचिका खारिज होने के बाद ट्रायल कोर्ट सरकार के आग्रह पर डेथ वारंट जारी करती है, उसमें फांसी की तारीख और वक्त तय होता है और फिर जेल में मुजरिम को फांसी पर लटका दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में आपने FIR फाइल होने से लेकर सजा होने तक के पूरे प्रोसेस को जाना है। अगर हम डिटेल्स में जाएं तो इसमें काफ़ी लंबी डिटेल बनेगी, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है क्या प्रोसेस होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में जहां भी जितना टाइम लगता है इसी स्ट्रक्चर में लगता है। जैसे कि चार्जशीट फाइल करने का टाइम है 60 या 90 दिन, तो पुलिस को इसमें और ज़्यादा समय लग जाता है। उसके बाद कोर्ट में सालों लग जाते हैं, तो जितना भी समय लगता है इन्हीं स्टेप्स में लगता है, लेकिन स्टेप्स यही होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहें।